जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ ये बेबी मसाला पोटैटोज़ फ्राई, जिसको कि बनाना बहुत ही अमेजिंग है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको आप दाल, दही और किसी भी नान चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, इन सर्दियों में ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ, सोनियाज किचन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं ये मसाला बेबी पोटैटोज़ फ्राई को घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ये छोटे छोटे पोटैटोज़ लिए हैं 500 ग्राम, इनको बहुत अच्छे से धो लिया है। तो सर्दियों में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ये। तो इनको हम उबालेंगे, केवल 2 स्टीम देंगे यहाँ पर हम, हमें ज़्यादा इसको स्टीमी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपको दे रही हूँ कि मैं यहाँ पर नींबू के छिलके डालूंगी, जो कि मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ सिर्फ आलू को उबालने के लिए। इससे क्या होता है कि हमारा कुकर बिल्कुल साफ़ सुथरा निकलता है और धोने में बहुत आसानी रहती है। तो 2 विसल्स लगवाएंगे इसमें, और ये देखिए तो हमारे ये आलू उबल चुके हैं और ये नींबू के छिलके हम यहाँ से निकाल देंगे। तो आलू को ज़्यादा आप गलाएं मत, अदरवाइज़ फिर उनमें से जो वो क्रिस्पीपन होता है उनका वो चला जाएगा। ये देखिए आलू हमारे उबल के तैयार हो गए हैं बिल्कुल, थोड़े से हम इनको टाइट रखेंगे यहाँ पर। अब चलिए पैन ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सूखे मसाले मैं भूनूंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ सूखा धनिया लिया है और यहाँ पर मैंने जीरा लिया है और ये मैं कुछ सौंफ डाल रही हूँ। तो इनको थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हम इनको लो मीडियम फ्लेम पर ऐसे भून लेंगे, ये देखिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ये देखिए। बस अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं इसमें, और ये देखिए थोड़ा सा पाउडर बनकर हमारा तैयार हो गया। अगर ये फालतू बनता है तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, किसी और रेसिपी में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया है, अपने स्वाद के अनुसार तेल डालें। और यहाँ पर डाला है मस्टर्ड सीड्स, और ये मैंने कुछ जीरा डाला है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सिसमे सीड्स। ये वाइट तिल होते हैं, इसके बिना ये रेसिपी अधूरी है, तो इसका यूज़ आप ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ करी पत्ता, सूखी हुई करी पत्ता लीव्स हैं। और ये मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, और ये मैंने डाला है हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। आप इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हो, मैंने दरदरा पीसा है। और इनको लो मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे। और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ यहाँ पर, और ये मैंने डाली है हल्दी, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इधर। और अब हम अपने पोटैटोज़ डाल देते हैं इसमें, और अच्छे से हम इनको सौते कर लेंगे। और सब काम जो ये हो रहा है ये लो मीडियम फ्लेम पर हो रहा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये मसाला। इसमें बहुत खुशबू आ रही है क्योंकि ये अभी भी हमने इसको पीसा है। तो जैसा कि मैंने बोला, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकती हैं अगली रेसिपी में, इसको स्टोर करके रख लें। और ये देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। और ये गरम मसाला, अब इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम अपनी सब्ज़ी की फाइनल स्टेज में आ गए हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनने में। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी से मसालेदार हमारे ये रोस्टेड से बेबी पोटैटोज़ बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लास्ट में ये इमली, में मैंने थोड़ा सा इमली का टुकड़ा लिया था, उसमें पानी भर के डाल के रखा था। तो इसका थोड़ा सा पानी यूज़ करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाएंगे। चाहे तो आप अमचूर पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, तो हमारे ये बेबी मसाला पोटैटोज़ फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो ये बहुत ही माउथ वाटरिंग लगते हैं, और आप इसको दाल के साथ, सब्जियों के साथ, या फिर आप इसको दही के साथ, पराठा, नान चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो मेरी अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। और यस, हमेशा की तरह एक बार कि हर जिंदगी के पीछे एक मकसद होता है, एक दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो बेमतलब होता है। जी हाँ, मस्ती के साथ फिट रहें, हेल्दी रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।